सो दोस्तों, अगर आप भी Realme का डिवाइस यूज करते हैं तो यहाँ पे फाइनली जो है Realme UI 3.0 में जो है यहाँ पे बैटरी को जो है कस्टमाइज जो है आप पूरी तरीके से जो है कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है आपको कुछ कस्टमाइजेशन के फीचर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, मतलब बैटरी को आप चेंज कर सकते हैं। Realme UI 3.0 में कुछ फीचर्स यहाँ पे जो है ऐड किए गए हैं। वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, मैं सारी सेटिंग्स के बारे में बात करने वाला हूँ। अगर आप Realme UI 3.0 बेस्ड ऑन Android 12 अपने डिवाइस में यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। एंड यहां पे बैटरी से रिलेटेड आपको इस चैनल के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियो अपलोड करते ही मिल जाए। साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो टेलीग्राम भी आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप रियलमी UI 3.0 अगर आपकी डिवाइस में आपको देखने को मिल गया या फिर नहीं भी मिला है, फ्यूचर में इनबिल्टेड है अगर आपका डिवाइस, तो कहीं ना कहीं आपको उस डिवाइस के अंदर बैटरी से रिलेटेड एक फीचर मिलने वाला है जिसमें आप बैटरी को कस्टमाइज कर सकते हैं। मींस यहां पे 2-3 ऐसे फीचर मिलने वाले हैं जिसमें आप बैटरी को अपनी जो है यहां पे चेंज कर सकते हैं। आपको पता है, रैंडमली अगर हम देखें फिलहाल के समय में, अगर आप Realme UI 2.0 यूज कर रहे होंगे तो वहां पे बैटरी जो है आपको जो है हॉरिजॉन्टल जो है लाइन में देखने को मिलती होगी, बट यहां पे आप वर्टिकलाइज जो है यहां पे कर सकते हैं बैटरी को। एंड यहां पे जो है आप चाहे तो सर्कल टाइप में बैटरी को कर सकते हैं, और यहां पे कुछ ऐसे फीचर्स जो है दिए गए हैं। तो इसको यहां पे इनेबल करने के लिए मैं आपको बता देता हूं करना क्या हुआ। तो सबसे पहले तो आपको अपने डिवाइस की जो है सेटिंग में चले जाना है। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी जो है यहाँ पे जैसे ही अपने डिवाइस की सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग में जाने के बाद जो है आप यहाँ पे जो इसका डिवाइस का जो यहाँ पे नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार है, इसमें जैसे ही आप जंप करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है स्टेटस बार। देखिए दोस्तों, ये जो है सिर्फ और सिर्फ अभी वर्केबल है Realme UI 3.0 में। अगर आपको अभी तक नहीं मिला है तो आपको वेट करना है, आने वाले समय में Realme UI 3.0 में आपको ये जरूर से फीचर मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको स्टेटस बार का एक ऑप्शन मिलता है, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं आपको राइट साइड में भी जो है देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अभी आपको करना क्या है कि इस स्टेटस बार पे आपको सिंपली टैप कर देना है। अब जैसे आप स्टेटस बार में जो टैप करेंगे तो यहां पे आपको मिल जाएगा बैटरी स्टाइल। ठीक है, यहां पे आप बैटरी स्टाइल को जो है चेंज कर सकते हैं, कहीं ना कहीं कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद आपको जो है सिंपली टैप कर देना है। यहां पे आपको 2-3 ऑप्शन मिल जाते हैं। मींस यहां पे जैसे हॉरिजॉन्टल जो है आप अपने डिवाइस को हॉरिजॉन्टल बैटरी मूवमेंट में जो है ला सकते हैं, चाहे तो आप वर्टिकल बैटरी मूवमेंट में ला सकते हैं, चाहे तो आप लूप जो है कर सकते हैं। मींस यहां पे सर्कल मोड में जो है यहां पे डाल सकते हैं बैटरी के आइकन को। और यहां पे डू नॉट शो भी एक ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप जो अपनी बैटरी को जो है शो ऑफ नहीं करना चाहते तो उसके लिए भी है। तो आपको ये चार ऐसे फीचर्स जो है देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं चारों ऑप्शन जो है दिए गए हैं। ठीक है, अभी क्या करना है, देखिए मैं सबसे पहले जो है हॉरिजॉन्टल करता हूं। तो सबसे पहले आप हॉरिजॉन्टल का व्यू जो है देख सकते हैं, ऊपर की साइड में जो हॉरिजॉन्टल व्यू है उसमें आपको जो है यहां पे कुछ इस तरीके से जो है यहां पे देखने को मिल जाता है, बैटरी लैंडस्केप में जो है देखने को मिल जाती है। अगर हम बात करें वर्टिकली फॉर्म के बारे में, तो वर्टिकली फॉर्म में जो है आपको यहां पे पोर्ट्रेट मोड में जो है बैटरी देखने को मिलती है, जैसे कि अगर आपको दिख रहा होगा इस तरीके से, या फिर ऊपर की साइड में आपको दिख रहा होगा तो इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। लूप अगर हम करते हैं तो लूप में आपको जो है सर्कल टाइप में देखने को मिलता है, जैसे कि आपको मैंने बताया कि सर्कल टाइप में जो है आप अपनी बैटरी को चेंज आउट कर सकते हैं। एंड यहां पे जो है लास्ट एंड ऑप्शन मिलता है, जो कि मिलता है डू नॉट शो। अगर आप चाहते हैं कि अपनी बैटरी का कोई भी आइकन जो है शो कराना नहीं चाहते हैं, खाली परसेंटेज शो कराना चाहते हैं, तो वो भी आपको मिल जाता है। तो आप चाहे तो अपने डिवाइस में जो है यहां पे जो है डू नॉट शो के ऑप्शन पे जो है टैप कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं, ये सेटिंग्स हैं जिसको आप फॉलो करके अपनी बैटरी की स्टाइल को प्रॉपर तरीके से जो है चेंज कर सकते हैं। Realme UI 3.0 में ही अभी ये फीचर इनबिल्ट है, एंड Realme UI 2.0 के लिए अभी कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन फ्यूचर में अगर आपको Realme UI 3.0 मिलता है तो आपको ये जरूर से ऑप्शन मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर इस चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।